guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we'll discuss about the Amoretti Sonnet 57 named Sweet Warrior. And guys, it was written by Edmund Spenser. So guys, सबसे पहले तो हम ये स्वीट वॉरियर जो ये एमोरेटी है 57 सोनेट, इसके जो ऑथर है एडमिट स्पेंसर, इनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम एमोरेटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर एमोरेटी होती क्या है, उसमें जो एडमिट स्पेंसर है उन्होंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हैं. देन हम लाइन वाइज एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे. मैंने पूरा लाइन वाइज इसको एक्सप्लेन किया है, जो एमोरेटी 57 स्वीट वॉरियर है, लाइन वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे. लाइन वाइज इसकी समरी और जो भी एनालिसिस होगा मैं आपको साथ साथ इन्फॉर्म करती रहूंगी. सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस स्वीट वॉरियर. एंड गाइज, नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. सो गाइज, स्पेंसर वॉज वन ऑफ द मोस्ट नॉबल एंड इनएग्जॉस्टिबल इंग्लिश पॉइट. सो गाइज, स्पेंसर को वन ऑफ द मोस्ट नॉबल और इनएग्जॉस्टिबल इंग्लिश पॉइट माना जाता है. एंड ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कैथोलिक इंटेलेक्चुअल ऑफ इंग्लिश पॉइट. एंड ही वॉज बोर्न इन 1552 और 1553 इन लंदन. सो गाइज, इनका जन्म जो है 1552 या 1553 में ऐसा माना जाता है कि लंदन में हुआ था. इनका जो बर्थ ईयर है वो कंफर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दो साल दे रखे हैं कि मतलब हाँ, इन दोनों सालों में से ही किसी एक साल में लंदन में इनका जन्म हुआ था. और जो इनके फादर थे वो एक क्लॉथ मेकर थे, और हमें इनकी मदर थी एलिजाबेथ, उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है. और गाइज, जो स्पेंसर है इनकी अर्ली एजुकेशन लंदन में ही हुई थी. एंड ही वॉज डाइड ऑन 13 जनवरी, यहाँ पर ये 1599 होना था. गाइज, ऐसा माना जाता है कि स्पेंसर की डेथ 1599 में 13 जनवरी को हो गई थी. सो गाइज, देखो जो ये एमोरेटी है इट वॉज पब्लिश्ड इन 1595. सो गाइज, जो ये स्पेंसर की एमोरेटी है ये 1595 में पब्लिश हुई थी, स्पेंसर की मौत के चार साल पहले. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 89 पीसेस, मतलब 89 सोनेट्स इसके अंदर, टोटल 89 सोनेट्स है जो ये एमोरेटी है इसके अंदर. एंड गाइज, दिस सोनेट सीक्वेंस इज द स्टोरी ऑफ स्पेंसर्स कॉर्टशिप ऑफ एलिजाबेथ बॉयल. सो गाइज, बेसिकली जो ये सोनेट्स हैं, एमोरेटी जो है ये स्पेंसर ने लिखी है, ये एक सीक्वेंस है उनकी स्टोरी का कि उन्होंने एलिजाबेथ बॉयले को किस तरीके से प्रपोज करने की कोशिश की, किस तरीके से उन्होंने मनाने की कोशिश की. पहले वो उनके साथ कोर्ट में रहते थे, और किस तरीके से कोर्टशिप से जो इनका रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वही हमें इन सोनेट्स में बताया गया है. सो गाइज, इन सोनेट्स 1 to 67 सेलिब्रेट्स कोर्टशिप. सो गाइज, देखो जो 1 से लेकर 67 तक सोनेट्स हैं उसमें हमें कोर्टशिप के बारे में बताया गया है कि स्पेंसर जो है एलिजाबेथ बॉयले को किस तरीके से कोर्ट में ही मनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी बिलवड बनाने की कोशिश करते हैं. एंड गाइस, सोनेट 68 to 89 डिवोटेड टू बिथरोथल इन एपिथेलेमियन मैरिज इज सेलिब्रेटेड. सो गाइस, देखो 1 से 67 तक सोनेट्स जो है वो कोर्टशिप के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कोर्ट में उनका रिलेशनशिप कैसा था. बेसिकली कोर्ट में तो उनका कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, रिलेशनशिप तो उनका बाद में स्टार्ट होता है. और सोनेट 68 से लेकर 89 तक जो है वो हमें बेसिकली उनका रिलेशनशिप जब स्टार्ट हो जाता है उसके आगे के बारे में बताते हैं. और जो ये एपिथेलेमियन होता है ये बेसिकली एक लॉन्ग पोयम या मैरिज सॉन्ग होता है, जिसके बारे में यहाँ पर स्पेंसर एक्सप्लेन करते हैं अपने इन सोनेट्स में, 68 टू 89 वाले सोनेट्स जो हैं उनमें. सो यहाँ पर हमें पता लग गया कि कौन से सोनेट्स में कौन सी चीज़ें डिस्कस होती हैं, 1 से 67 सोनेट्स में क्या है और उससे आगे के सोनेट्स में क्या एक्सप्लेन किया गया है. सो गाइस, नाउ विल डिस्कस अबाउट द लाइन वाइज समरी ऑफ सोनेट 57 विच इज स्वीट वॉरियर. स्वीट वॉरियर, व्हेन शैल आई हैव पीस विद यू. सो गाइस, देखो एडमिट स्पेंसर यहाँ पर अपने बिलवड को स्वीट वॉरियर कहकर एड्रेस कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि व्हेन शैल आई हैव पीस विद यू, कि हम दोनों एक साथ शांति से कब रह सकेंगे, मतलब मैं तुम्हारे साथ पूरे शांति से कब रह सकूंगा, कब वो टाइम आएगा जब हम पीस के साथ रह सकेंगे. हाई टाइम इट इज दिस वॉर नाउ एंडेड वेयर, कि मतलब अब ये हाई टाइम आ गया है, अब ये टाइम सही आ गया है कि हमें इस वॉर को, कि मतलब इनके बीच में ऐसा नहीं है कि सच में कोई वॉर हो रहा है, कोई युद्ध हो रहा है, इनका जो वॉर है वो लव के लिए है, कि स्पेंसर अपने बिलवेड से प्यार चाहते हैं और इस प्यार के लिए जो वो लड़ रहे हैं इसी को वो यहाँ पर वॉर कह रहे हैं, कि अब ये सही टाइम आ गया है कि हमें इस वॉर को ख़त्म कर देना चाहिए. विच आई नो लॉन्गर कैन एंड्योर टू स्यू. एंड्योर का मतलब होता है टॉलरेट करना, कि मतलब अब मैं इस चीज़ को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे पीछे बार बार तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरी बात मान जाओ. स्यू का मतलब होता है जो कोर्ट में जाकर, जो कचहरियाँ वगैरह, कोर्ट वगैरह होता है परस्यू करने की, जब हम किसी को कोशिश करते हैं कि मतलब मैं अब इस चीज़ को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, अब तो तुम मेरी बात मान जाओ. ने यू इंसेसेंट बैटरी मोर टू बेयर. ने का मतलब होता है गाइस नो,
नो योर इंसेसेंट बैटरी मोर टू बेयर, कि मतलब जो तुम्हारी इंसेसेंट बैटरी, मतलब जो तुम मुझ पर अटैक करे जा रही हो कि तुम मेरा जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो और तुम बार बार इसको मना करे जा रही हो, तुम मेरे ऊपर बहुत हैवी अटैक्स कर रही हो ये करके, कि मतलब तुम मुझे घायल करे जा रही हो अपनी इन सब बातों से। तुम्हारे ये अटैक मैं बियर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों को अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सो वीक माई पावर्स सो सोर माई वाउंस अपीयर, कि मेरी जो पावर है वो एकदम कमज़ोर होती जा रही है, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा हूँ और जो मेरी बॉडी है वो पूरी घावों से भर गई है, कि मतलब तुम मुझे बार बार मना करे जा रही हो, ये चीज़ें मेरे शरीर पर एक तरीके से घाव की तरह लग रही हैं। दैट वंडर इज हाउ आई शुड लिव अ जॉट, लिव अ जॉट मतलब होता है टू लिव फॉर सम टाइम, कि मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मुझ पर इतने ज़्यादा अत्याचार करे जा रही हो, मुझे बार बार मना करे जा रही हो, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, मेरे पूरे शरीर पर इतने ज़्यादा घाव हो गए हैं, फिर भी मैं कैसे जिंदा हूँ। दैट वंडर इज हाउ आई शुड लिव अ जॉट, कि तुम्हारे इतने ज़्यादा अत्याचारों के बाद भी मैं कैसे जिंदा हूँ, कैसे जी रहा हूँ। सीइंग माई हार्ट थ्रू लेंस्ड एवरीवेयर, कि मेरा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है हर जगह से। विथ थाउजेंड एरोज विच योर आईज हैव शॉट, कि हजारों जो तीर तुमने मारे हैं उनसे जो मेरा दिल है वो पूरे तरीके से घायल हो चुका है। मतलब बेसिकली ये कहने का मतलब है यहाँ पर स्पेंसर का, कि तुम जो अपनी नज़रों से तीर मार रही हो, थाउजेंड ऑफ एरोज विच यू हैव शूटेड फ्रॉम योर आईज, उनसे जो मेरा दिल है वो पूरे तरीके से घायल हो चुका है। येट शूट ये शार्पली स्टिल एंड स्पेयर मी नॉट, कि तुम जो ये तीर मार रही हो अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से, ये सीधा मेरे दिल में आकर लग रहे हैं, और स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग टू शूट विदाउट हैविंग एनी इंटेंशन टू स्पेयर मी, कि तुम अब भी अपना जो ये शूटिंग वाला प्रोसेस है इसे कंटिन्यू रख रही हो, तुम एक बार भी ये नहीं सोच रही हो कि मुझे स्पेयर कर दो, मुझे बख्श दो। बट ग्लोरी थिंक टू मेक दीज क्रूअल स्टार्स, एंड वो पूछता है व्हाट ग्लोरी यू कैन गेन, कि मतलब तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करके, इतने ज़्यादा क्रूअल बिहेवियर करके मेरे साथ तुम्हें क्या मिल रहा है, व्हाट ग्लोरी यू आर गेनिंग, ये क्रूअल वन व्हाट ग्लोरी कैन बी गॉट। और क्या कहता है ये क्रूअल वन, कि तुम यहाँ पर कितने ज़्यादा क्रूअल बनकर दिखा रही हो, तुम्हें क्या ग्लोरी मिल रही है, क्या सुकून मिल रहा है मेरे साथ ऐसा करके। इन स्लेइंग हिम दैट वुड लिव ग्लैडली योर्स, कि मतलब तुम्हें उस इंसान के साथ इतना बुरा करके क्या मिल रहा है जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ तुम्हारा होकर रहना चाहता है। मेक पीस देयरफॉर एंड ग्रांट मी टाइमली ग्रेस। गाइस देखो यहाँ हमने बीच में देखा कि जो स्पेंसर है वो अपने बिलवेड को क्रूएल कह रहे थे और कह रहे थे कि तुम मुझ पर इतने ज़्यादा अत्याचार कर रही हो। बट नाउ हेयर अगेन जो स्पेंसर है वो क्या कर रहे हैं, उसी वुमेन को वू करने की कोशिश कर रही हैं जो उस पर अटैक्स कर रही थी। सो ये एक तरीके की आयरनी है, दैट इज रिपीटेड एफर्ट्स टू वू द सेम वुमेन इन अ डिफेंसिव स्टेंस अगेंस्ट हर अटैक्स, कि वो उसी सेम वुमेन को दोबारा वू करने की कोशिश कर रहा है जो वुमेन उस पर अटैक पे अटैक करे जा रही थी। बिकॉज वो यहाँ पर क्या कह रहा है, मेक पीस देयरफॉर, कि अब तो शांति हो जाने दो, एंड ग्रांट मी टाइमली ग्रेस सो दैट ऑल माय वाउंड्स विल हील इन लिटिल स्पेस, ताकि जो भी मेरे घाव हैं वो तुम्हारे साथ रहकर भर जाए। सो गाइस देखो जो ये सोनेट है इसकी जो फॉर्म है, सोनेट की जो फॉर्म है ये ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई ई ई ई है। किस तरीके से है देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। ए बी ए बी बी सी बी सी ई डी सी डी एंड ई ई, ये इसकी सोनेट फॉर्म है। और गाइज देखो ये जो सोनेट है, ये सोनेट इज अबाउट द एंड ऑफ द वॉर बिटवीन द लवर्स विच विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इमोशनल स्टेट इन देयर रिलेशनशिप। सो ये हम इसका एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं अब, कि जो देखो ये जो सोनेट है, ये सोनेट में आकर इनका जो वॉर हो रहा था ये लव के लिए, ये एंड हो जाता है। दिस सोनेट इज अबाउट द एंड ऑफ द वॉर बिटवीन द लवर्स, कि इनका जो ये प्यार के लिए वॉर हो रहा था इस सोनेट में आकर ये खत्म हो जाता है। एंड आफ्टर दिस देर इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इमोशनल स्टेज इन देयर रिलेशनशिप, इनका जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। और गाइज देखो जो ये पोएट है ये अपने बिलवेड को सोनेट 11 में क्या कहते हैं, क्रूएल वॉरियर। और यहाँ पर सोनेट 57 में ये अपनी बिलवेड को क्या कहते हैं, स्वीट वॉरियर।
तो 11 सोनेट में तो ये क्रूअल वॉरियर थी और यहाँ 57 सोनेट में आकर ये स्वीट वॉरियर हो गई। बेसिकली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, हमें एक जर्नी दिखाई गई है कि किस तरीके से उनकी बिलवेड क्रूअल से उन्हें स्वीट लगने लग गई है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक पेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं दोनों ही चीज़ों की लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो मेरे फेसबुक पेज। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।